पीएम मोदी अत्यारे संबोधन करी रहा छे, सांभळीए तेओने। भारत माता की, मध्य प्रदेश की धरती भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए ऐसी ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। अभी कुछ ही देर पहले ही मुझे देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर भी मिला है। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे, अब भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और सुविधा से संपन्न भी होगा। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी अपने अपने बूथ में वर्ष भर बहुत व्यस्त रहते हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें आप लोग जो मेहनत करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, उसकी जानकारियां लगातार मुझ तक पहुंच रही है। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था तब भी आपके प्रयासों के बारे में मुझे लगातार जानकारी मिलती रहती थी। इसलिए वहां से आने के बाद सबसे पहले आप सभी से मिलना ये मेरे लिए ज्यादा सुखद है, ज्यादा आनंददायक है। साथियों,
भाजपा की सबसे बड़ी ताकत, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ये सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता है। और मैं नड्डा जी का केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, राज्यों के भाजपा के नेतृत्व का, मध्य प्रदेश भाजपा नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम की रचना के लिए, क्योंकि आज मैं एक साथ बूथ में काम करने वाले करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं। आप तो इतने लोग यहां हैं, लेकिन देश का हर पोलिंग बूथ आज यहां आपसे जुड़ा हुआ है। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। एक और बात मैं गर्व से आज कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होना, पार्टी के अध्यक्षों की मीटिंग होना, महासचिवों की मीटिंग होना, प्रदेश कार्य समितियों की मीटिंग होना, जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति होना, ये तो शायद लंबे अरसे से चल रहा है, होता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बूथ का नेतृत्व करने वाले लोगों का सम्मेलन इतिहास में पहली बार होता होगा। साथियों, आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है, दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने का मेरे लिए भी एक मंगल अवसर है। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। मुझे नड्डा जी ने बताया कि मोदी जी आज भाषण तो बाद में, आज कुछ सवाल जवाब हो जाए। मैंने भी बात को मान लिया, आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी बहन जी वहां से जैसे भी आगे आज्ञा करेगी, मैं अपनी गाड़ी आगे चलाऊंगा। श्री राम पटेल, दमोह, मध्य प्रदेश। श्री राम पटेल, दमोह, मध्य प्रदेश। किस तरफ है? हाँ बताइए, बताइए। आदरणीय मोदी, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं आपको, बताइए। आदरणीय मोदी जी प्रणाम। राम
विधान राम पटेल दमोह से टिकट का प्रभारी हूं, बूथ 171 दमोह से आपको प्रणाम करता हूं। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आपने भी खुद मंडल स्तर पर तक कार्यकर्ता बन करके काम किया है, ऐसे में आप राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक जुड़ाव को कैसे देखते हैं? आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आप रोज की राजनीति की आपाधापी के बजाय किसी और दिशा में सवाल को लाए हैं। आप बैठिए, मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप बैठिए आराम से। देखिए, जो एक बूथ होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है। हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बूथ में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी ऊपर उठकर समाज के लिए सुख दुख के साथी के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जमीन का फीडबैक बहुत जरूरी होता है। जो बूथ के हमारे साथी हैं वे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री भी या मुख्यमंत्री भी अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना किसी न किसी बूथ के कार्यकर्ता के दी हुई जानकारी की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। मुझे याद है कि अगर ये बूथ कमेटी नहीं होती तो शायद ही कभी उज्ज्वला योजना का विचार ही नहीं आता। साथियों, ये आपकी निरंतर कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि गांव से कार्यकर्ताओं ने मुझे उज्ज्वला गैस योजना के विषय में समझाया, बाद में वो नीति बन गई और गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंच गया। साथियों, भाजपा की बूथ कमेटी की पहचान सेवा से होनी चाहिए। बूथ के अंदर रोज आंदोलन संभव नहीं है, तू तू मैं संभव नहीं है। और इसके लिए बूथ की अंदर भाजपा की पहचान सेवाधारी की होनी चाहिए, सेवा भाव की होनी चाहिए। और इसके लिए छोटे छोटे समझे जाने वाले काम जो लोगों को बहुत छोटे लगते हैं लेकिन बहुत उपयोगी होते हैं। अब जैसे गांव में कहीं न कहीं तो आपको बैठने की वो जगह होगी, किसी पेड़ के नीचे बैठते होंगे, किसी चाय के ठेले के पास जाके बैठते होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह अखबार पढ़ लिए, शाम को दोपहर के बाद वहां जाएंगे,
एक खटिया में सारे अखबार लगा देंगे और गांव वालों जिसको भी अखबार पढ़ना होगा वहां आएगा, बैठेगा, अखबार पढ़ेगा, देश और दुनिया की बात करेगा। आपने तो अखबार पढ़ लिया था लेकिन वो अखबार अब पूरे बूथ के लोगों के काम आ रहा है। देखिए कोई खर्चा नहीं, वो आपको आपका नेता मानने लग जाएगा कि नहीं मानने लग जाएगा। कभी कभी हम अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, भारत सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, राज्य सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, अपने पार्टी के नेताओं की तस्वीर उसमें होती है। क्या हम एक नियम बना सकते हैं कि अपने बूथ के अंदर एक जगह फिक्स करें और अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसको उस दिन काट करके उसको एक बड़ा बोर्ड बना करके वहां लटका दें। आपके बूथ के लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आज की खबर कहां है, उस पेड़ के नीचे वो लटकता है ना, चलो वहां चले जाते हैं, देख लेते हैं। बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं बूथ के अंदर। आप हर दिन एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दो, आज भाजपा की जो अच्छी खबरें हैं, देश की अच्छी खबरें हैं, वो ब्लैक बोर्ड में देख लीजिए। बूथ के लोग आएंगे जाएंगे, जरूर पढ़ेंगे। मैंने एक कार्यकर्ता देखा, वो फर्स्ट एड बॉक्स अपने यहां रखता था। वो फर्स्ट एड बॉक्स के कारण उस इलाके के सारे लोग उसके घर आते जाते रहते थे। इससे गांव के लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि अगर कोई समस्या हुई, कोई उपचार करवाना है तो वो भाजपा के अपने भाई है ना, उसके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, चलो भाई पहुंच जाते हैं। घर में किसी की बीमारी है, थर्मोमीटर चलिए, चलो उसके यहां से ले आते हैं। घर में कोई तकलीफ है, चलिए गर्म पानी की थैली चाहिए, चलिए उनके यहां मिल जाएगी, मांग करके ले आते हैं। आप एक सामाजिक नेता बन जाएंगे। देखिए बूथ के अंदर संघर्ष की जरूरत नहीं होती है, सेवा ही एकमात्र माध्यम होता है। आप अपने अखबार जैसा मैंने कहा पढ़ने की व्यवस्था पर जोर दें। कुछ अपने मैगजीन होते हैं, कमल संदेश है, और भी हमारी पार्टी के कई अखबार निकलते हैं। जैसे मैं गुजरात में था, वहां मनोगत नाम का अखबार निकलता था। ये मैगजीन जो आता है, हमने तय करना चाहिए कि भाई चलिए मंडे को ये मैगजीन इस घर में देंगे, फिर दूसरे दिन सुबह जाके मांगेंगे, कल आपने पढ़ लिया होगा ले लेंगे, दूसरे दिन दूसरे के घर देंगे, फिर 24 घंटे के बाद जाएंगे, फिर वहां से ले लेंगे। हमारा एक कमल संदेश होगा, हमारा एक मैगजीन होगा, तय करेंगे। अगला आने तक घर घर वो घूमता रहेगा, 30-40 घरों में जाएगा, फिर वापस आएगा। आप खुद तो अपने लिए खर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वही अगर आप मोहल्ले में पहुंचा देंगे तो फायदा होगा। अब देखिए गांव में खेती के समय यूरिया खरीदने के लिए गांव वाले निकलते हैं, हर कोई अलग अलग जाता है, हर कोई न कोई व्हीकल करके उठा करके ले आता है। मान लीजिए आपने गांव वालों को इकट्ठा कर दिया, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और आपने उनको कहा, अच्छा भाई देखिए बताओ किसको कितना यूरिया चाहिए, चलो चलिए 2-4 लोग मेरे साथ, और हम सब मिलकर के पूरा गांव का यूरिया एक ही व्हीकल में ले आए तो किराया कम हो जाएगा, गांव के लोगों का पैसा बच जाएगा। वो आपको तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका गौरवगान करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका कोई खर्चा हुआ क्या, नहीं हुआ। ऐसे छोटे छोटे काम हमने देखा है कि गांव हो या शहर, अगर कुछ करने की भावना सब में ही होती है पर अक्सर माध्यम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति माध्यम बन जाता है, नेतृत्व करने लग जाता है, तो सेवा भाव वाले लोग उसके साथ जुड़ ही जाते हैं। भैया अगर कोई व्यक्ति घर घर जाकर कहता है कि कोई पुरानी किताब है तो मुझे दे दीजिए, आप देखेंगे
हर घर से बच्चे आकर खुद अपनी किताब आपको पुरानी दे देंगे। आप जरा घर में उस किताबों को ठीक कर ले बूथ के कार्यकर्ता, और फिर जो गरीब बच्चे हैं उनमें वो किताब बांट दे अपने बूथ में, हर गरीब परिवार के पास किताब पहुंच जाएगी। आप उनको लगेगा अरे मेरे बच्चे पढ़ाई करें, इसकी वो चिंता कर रहा है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, मणिनगर मेरा विधानसभा क्षेत्र था, तो मैंने आंगनवाड़ी की चिंता करना काम अपने जिम्मे लिया, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया। भाई आपको आंगनवाड़ी में चक्कर काटना है और क्या करना है, किसी न किसी नए साथी को ले जाओ। अगर खजूर की सीजन है आंगनवाड़ी में जाकर हर एक बच्चे को दो दो खजूर खिला दो, अगर बैर की सीजन है आंगनवाड़ी के बच्चों को जाकर के दो दो बैर खिला दो, अगर कोई अच्छी टॉफी आ गई है दो दो टॉफी जाके, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, उन गरीब परिवारों से भी दोस्ती बन जाएगी। और इस इलाके में कोई जाने न जाने आप निकलेंगे, हर बच्चा आपको जानता होगा, ये बहुत बड़ी ताकत बन जाती है साथियों। इस ताकत पर हमें जोर देना चाहिए, और ये जितना करेंगे हमें गांव गांव में, शहर में, कस्बे में जाकर इस तरह से काम करते रहना चाहिए, तब जाकर के हमारे बूथ की ताकत बनती है। जब आप जनता से जुड़े ऐसे छोटे छोटे काम करोगे तो मुझे पक्का विश्वास है पूरे बूथ में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो आपसे दूरी करेगा, वो आपसे नहीं जुड़ेगा। आपकी पहचान एक भाजपा के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह बने, इसके लिए बूथ के अंदर लगातार काम करना चाहिए। और यहां से आप बूथों में जाने वाले हो, अलग अलग बूथ में रहने वाले हो, वहां जरूर जाकर के इन चीजों का प्रयोग कीजिए। आप देखना, आपकी तरफ देखने का, आपके बूथ के कार्यकर्ताओं की तरफ देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आइए कुछ और साथी भी पूछना चाहते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न, श्री सल्ला रामकृष्णन, आंध्र प्रदेश। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सल्ला रामकृष्णन, अरकू पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट। कहां से बोल रहे हैं भाई? हाँ दिखाई दिया, हाँ बोलिए। स्क्रीन पे आपको देख रहा हूँ, एक आराम से फिर से बताइए, जरा आराम से सवाल बताइए। सल्ला रामकृष्ण सर, अरकू पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट सर, आई एम बिलोंग्स टू ट्राइबल कम्युनिटी, पाड़ेर असेंबली, बूथ नंबर 281 सर। माय क्वेश्चन टू यू सर, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच एक्टिविटीज इन इंडिया लेवल सर, इन विलेज लेवल ऑल्सो, एज वर्कर एज ए बीजेपी आई वॉन्ट टू ask how to go to the field to contribute in this process sir. बैठिए, आप काम तो कर ही रहे, कहीं ज्यादा काम करने के लिए कह रहे हैं। देखिए कार्यकर्ता के दिल में और ज्यादा काम करने की भूख होना, ये भी बहुत बड़ी ताकत है। आंध्र गारू को मेरा अभिनंदन। देखिए 2047 में जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा, और इसलिए हर गांव का संकल्प बनना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी
डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास ही बहुत बड़ी असर दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारा गांव कैसे हरा भरा हो, कैसे गांव में स्वच्छता को लेकर हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, हम गांव में सोलर को कैसे बढ़ाए, सोलर एनर्जी की गांव में कैसे आदत डाले। आज भारत सरकार सोलर एनर्जी पर इतना जोर दे रही है, हमारे भाजपा बूथ कार्यकर्ता ये ठान ले कि अगर किसी गांव में 100 घर है तो अगले 2 साल में वहां सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, हमारे किसान हो उनको समझाएं सोलार पंप का उपयोग करिए, आपका पैसा भी बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे सोलार लगवाएं, हम उनको प्रेरित करें। काम सरकार का नहीं है, जनता जनार्दन में ले जाने का एक सकारात्मक तरीका है। उसमें बैंकों से जो कैसे मदद मिलती है उनको बैंकों से मदद कैसे दिलवाए, आर्थिक सहयोग बैंकों से मिलता है उन तक कैसे पहुंचे, उनको इनकी जानकारियां हम कैसे दें। आप जानते हैं केंद्र सरकार के प्रयासों से स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ता ये सोचे कि मैं जिस बूथ में काम करता हूं वहां कोई ड्रॉप आउट नहीं होगा, बेटा हो या बेटी शत प्रतिशत पढ़ेंगे इसके लिए मैं काम करूंगा। मुझे बताइए भाजपा के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका बूथ मजबूत होगा कि नहीं होगा? आपके गांव में से अशिक्षा जाएगी कि नहीं जाएगी? कोई बच्चा अगर बीच में स्कूल छोड़ रहा है, हम उसको पहचान ले, उसको मिलने जाए, उसके माँ बाप को मिलने जाए, उसको स्कूल ले जाए, सेवा भी होगी, भाजपा का काम भी हो जाएगा। अगर उसको कोई आर्थिक परेशानी है, किताब नहीं है, लिखने के लिए नोटबुक नहीं है, आप गांव के 2 लोगों से कहेंगे आओ भाई इन 2 बच्चों के लिए भी 2 नोट ले आइए, उनको यूनिफॉर्म नहीं है, आओ भाई 2 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ले आओ। आप देखिए धीरे धीरे आप परिवर्तन ले आएंगे। अब कुछ बच्चे कुपोषित होते हैं, हम गांव के अंदर कुपोषण कैसे मिटा सकते हैं? मैंने अभी बताया मेरा मणिनगर का अनुभव, हम गांव के लोगों को ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी को कहेंगे भाई जन्मदिन आंगनवाड़ी में मनाओ, आपके पिताजी की मृत्यु की तिथि है आंगनवाड़ी में मनाओ, आपकी शादी की सालगिरह है आंगनवाड़ी में मनाओ, घर से कुछ बना करके ले आओ, चलो इन 30-40 बच्चे होते हैं खिलाओ, कुपोषण भी जाएगा और उनको अपना जन्मदिन मनाने का आनंद भी आएगा। मैं मानता हूं कि हमने ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए। और जितने जैसे जहां पर डेयरी का काम है वो दूध इकट्ठा कर करके पिला सकते हैं, मैं समझता हूं कि यही तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं मानता हूं इसका आदत लोगों को भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। और इसलिए मेरा आग्रह है कि हम इन बातों को ज्यादा महत्व दें, अपने गांव के अंदर इसी प्रकार के काम को। अब जैसे अंकुरित मूंग होता है, अंकुरित चना होता है, अपने घर में करें 100 ग्राम, इतना अंकुरित हो जाएगा, आपने वहां बांट दिया आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी के बच्चों का कुपोषण से लड़ाई लड़ने की ताकत आएगी, पोषण बढ़ेगा। देखिए सरकार की योजनाओं से ज्यादा समाज की शक्ति जुड़ जाती है तो निश्चित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और हम चाहते हैं कि 2047 भारत को विकसित बनाना है तो ऐसी हर छोटी चीजों को
हर समस्या से हमें मुक्ति लेना नहीं है, वो और मुक्ति हम लाएंगे तो हम परिणाम लाएंगे। आप जानते हैं कि देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उसमें एक बात कही गई है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ाना कम सीखना ज्यादा, टीचिंग नहीं लर्निंग। ये जब आया है, क्या कभी हम जाएं स्कूल में और मास्टर जी से बात करें कि चलो आज बच्चों को हम जरा बाहर ले जाते हैं, मैं भी साथ में आता हूं और बच्चों को बताएंगे देखिए भाई बरगद का पेड़ कौन सा है, चलो देखो नीम का पेड़ कहाँ है देखो, चलो ढूंढ के लाओ कौन सा पेड़ है, फूल है तो कौन सा फूल है। बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। कभी कोई कुम्हार होगा गांव में, चलो भी आज कुम्हार के घर जाएंगे, वो मिट्टी को कैसे काम करता है, मिट्टी में से घड़ा कैसे बनाता है, यानी स्कूल तो जो करती होगी लेकिन मेरा बूथ का कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ जाता है तो उन बच्चों के जीवन में भी बदलाव आता है। और नई एजुकेशन पॉलिसी, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप लागू हो जाती है। कई ही हस्तशिल्पी होते हैं, चीजें कैसे बनाते हैं, बच्चे जब बारीक से देखते हैं कि सुई धागे से ऐसे ऐसे काम होता है, बच्चे का एक विश्वास बनता है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। और इसलिए मैं बूथ के भाजपा से कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि आप वहां के जनजीवन से जुड़िए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़िए। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में राजनीति नहीं होती है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने का इरादा होता है। उस आगे बढ़ने के इरादे को पहचानिए और अपने आप को उसके साथ जोड़िए, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आपका बूथ मजबूत बनने से कोई रोक नहीं सकता है और इसके लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न के लिए हमारे बीच श्री रिपु सिंह बिहार से। बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बिहार के पावन धरती से मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरा नाम रिपु सिंह हुआ। कहां से हैं आप जी? कहां से हैं? मैं मोतिहारी जिला से हूं। बताइए। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को विकसित काम से जुड़े काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कैसे पहुंचाया जा सकता है? बैठिए, मैं बताता हूं। कुछ बातें तो मेरी अभी मैं बता रहा था, तब लिख लीजिए। देखिए, ये काम हमारे कार्यकर्ता बेहतरीन तरीके से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य सिर्फ किसी एक योजना का लाभ देना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य सैचुरेशन का है, शत प्रतिशत कवरेज का है। हर सुविधा का लाभ जिसका वो हकदार है उनको शत प्रतिशत हमें पहुंचाना है। जैसे गांव में बहुत से लोगों को पीएम आवास योजना से अपना घर मिला होगा, ये अपना घर उनको मिला है, तो अब जब घर मिल गया है तो ये देखना कि जो लोग इन घरों में रहते हैं उन्हें मुद्रा योजना का भी लाभ मिल सकता है क्या? क्या वो अपना कोई व्यापार धंधा करना चाहते हैं, अगर कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, क्या उनको जाकर के योजना की बात बता सकते हैं? घर मिल गया है तो उसका विश्वास बन गया है,
घर उसकी मालिका है तो बैंक से पैसा मिल सकता है और बैंक में जाएगा, आप उसकी मदद करेंगे तो उसको जो भी मदद मिलेगी वो अपना कोई कारोबार शुरू करेगा। अगर उससे पूछिए भाई आपको आयुष्मान कार्ड मिला है क्या, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक की बीमारी के समय मदद मोदी जी के यहां से आती है, ये बता करके उसको कार्ड दिखाइए और उसको बताइए कि अपने गांव के फलाने को ये लाभ मिला है, डिकने को मिला है, पड़ोस वाले गांव को उसको मिला है, तो उसका विश्वास बढ़ेगा। वो पहले बीमारी छिपाता था, छिपाएगा नहीं। ये सारे काम, ये सारी चीजें देखने का काम भाजपा के बूथ कार्यकर्ता एक दायित्व समझकर अगर उसको करता है तो मैं समझता हूं कि सरकार की योजनाओं का सही लोगों को सही समय पे पूरा लाभ मिल सकता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको गरीब को मुसीबत से मुक्त करना है। आप गांव के लोगों को सरकार की योजना के बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया पर अपने गांव का बूथ का ग्रुप बना सकते हैं। आप नमो ऐप पर अनेक योजनाओं की जानकारी उनको दे सकते हैं। आपको देखना चाहिए आपके बूथ के लोग आपके एमपी के साथ सोशल मीडिया में जुड़े हैं, आपके एमएलए के साथ जुड़े हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ जुड़े हैं, नमो ऐप के साथ जुड़े हैं। इनको आपने जोड़ना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए, इससे उनको सभी योजनाओं का पता चलेगा। और ये सारी बातें उनकी स्थानीय भाषा में होती है, अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस भाषा में लोग समझते हैं उस भाषा में आप जानकारी उनको पहुंचा सकते हैं। जब लोग मिले तो आप बताइए कि उस पर चर्चा कीजिए, उनसे बातें कीजिए। साथियों, एक चीज और मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जब हम अपनी एक बात को तुलनात्मक तरीके से कहते हैं तो सामान्य मानवी को ज्यादा समझ आता है और इसके लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। हमने अपने मोबाइल में लिख करके रखना चाहिए, अपनी डायरी में लिख करके रखना है। जब हम गैस कनेक्शन की बात करते हैं तो याद दिलाते हैं कि पहले इसी के लिए गैस कनेक्शन के लिए कहां कहां चक्कर काटना पड़ता था, किसकी सिफारिश लानी पड़ती थी, कितना भ्रष्टाचार करना पड़ता था। ये मोदी जी आए तब से सारा गया और आपको पहुंच रहा है। जब ये याद कराओगे ना तब उनको अपने काम की कीमत समझ में आएगी और इसका फर्क पड़ता है। आज देखिए उज्ज्वला योजना की वजह से गैस कनेक्शन मिलना कितना आसान हो गया है, उनको कितना लाभ हो गया है। तो हम जब कोई भी बात तुलना के साथ समझाते हैं तो वो लोगों को ज्यादा याद रहता है। आप देख रहे हैं कि आज हर घर जल योजना के तहत कितना बड़ा काम हो रहा है। नल से जल 2019 के बाद जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 9 करोड़, ये याद रखना चाहिए आपने, 9 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। मुझे मध्य प्रदेश के ही लोग बताते हैं कि ऐसे गांव में लोग अपनी बेटियों को शादी नहीं करते थे क्योंकि पानी की समस्याएं थी। आज हमने उन समस्याओं का समाधान किया है। आज जब गांव में नल से जल पहुंचने लगा है तो वहां जो बच्चे कंवारे रह जाते थे ना उनकी शादी होने लगी है। इसलिए जब हम पुरानी परिस्थितियों से तुलना करके अपनी बात करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा अलग ही प्रभाव पड़ता है। आइए, और मुझे विश्वास है कि हम इन बातों को ठीक से करेंगे। अब एक अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड से बहन हिमानी वैष्णव का। जय बद्री विशाल। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर हिमानी वैष्णव है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र चमोली जनपद से हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रश्न है, पहले सामाजिक न्याय के नाम पर तुष्टिकरण को बढ़ावा दिया गया। हमारी सरकार ने संतुष्टिकरण पर बल दिया और उनको भी पूछा जिनको किसी ने नहीं पूछा। पहले की तुलना में अब आए अंतर को हम सामान्य जन को कैसे बताएं? बहुत ही सवाल बहन आपने पूछा है। कुछ लोग सिर्फ अपने दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, मलाई खाने का, कट मनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का, वोट बैंक का, गरीब को गरीब बनाए रखने, वंचित को वंचित बनाए रखने से ही उनकी राजनीति चलती है। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। ये देश के विकास को रोक देता है, देश में तबाही लाता है, देश में भेदभाव पैदा करता है, समाज में दीवार खड़ी करता है। एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारा रास्ता कौन सा है? हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। आज देश में जहां भी भाजपा सरकार है वहां हम संतुष्टीकरण के अभियान में लगे हैं। संतुष्टीकरण का रास्ता मेहनत वाला रास्ता होता है, उसमें पसीना बहाना पड़ता है। अगर बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, तब लोग संतुष्ट होंगे। अगर नल से जल का अभियान चलेगा तो हर घर तक चलेगा, हर एक को पहुंचाने का प्रयास होगा, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जाति नहीं, बिरादरी नहीं,
काका भतीजा मामा कुछ नहीं, जब भेदभाव नहीं होगा तो समाज में संतुष्टि बढ़ेगी। इसलिए हम संतुष्टिकरण के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। साथियों, हमने देखा है कि कैसे तुष्टिकरण वाली गंदी सोच ने कुछ राज्यों के बीच में लोगों के बीच खाई पैदा कर दी। हमने देखा है कि यूपी में हमारे पासी भाई बहन, कोरी भाई बहन, खटीक भाई बहन और धनुक जैसी तमाम हमारे छोटे भाई बहन राजनीति के शिकार हुए और विकास से वंचित रह गए। उधर हम बिहार में देखें तो कोई दलित, कोई महादलित और उसमें भी नई राजनीति और समाज को बांट दिया। इसकी वजह से एक वर्ग दूसरे वर्ग को आशंका से देखने लगा। कुछ जातियों पर विशेष ध्यान और कुछ जातियों की उपेक्षा। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें, वहां भी कभी कभी राजनेताओं ने ऐसे कई समाजों को बर्बाद करके रखा है, भेदभाव को बढ़ाया है। अब जैसे मैंने सुना है केरल में अड़ियन, काट्टुनायकन, कोचुवेलान, मालासार, तेनकुरुम्बन, जेनुकुरुम्बन, वेट्टाकुरुमन, मलय पंडारम, ये जातियों को विकास के रकम में पीछे छोड़ दिया गया। कुछ ही लोगों को मलाई मिलती गई। उसी तरफ अगर आप कर्नाटका में जाएंगे तो मलाईकुड़ी, पल्यान, शोलगा, विटोलिया, कोतवालिया, बारोडिया, उनकी भी उपेक्षा हुई। अगर हम तेलंगाना में जाएंगे, कुलिया, जातपू, चेचू, मन्नादोरा, हमारे तमिलनाडु में एरवलन, काडर, कोंडा कपूस, मलयवेडन, पल्लयन, मुड़ुगर, इन सब को पीछे छोड़ दिया। कोई इनकी परवाह नहीं करता। अनुसूचित जाति की बात करें तो उनके साथ भी ऐसे ही किया गया। केरल में अयनवर, कुसा, वल्लुवन, नलकायदाया, पनन, तमिलनाडु में बेरा, माविलन, नैदी, थोटी, वल्लोन, जगली, जम्बुवलू, ऐसे अनेक जातियां हैं। क्या हवा करके रखा है उनका? मेरे पास लंबी लिस्ट है। तेलंगाना में बारीकी, बाबूरी, अखामला, मस्ती मातंगी, पमीड़ी जातियों को ये तुष्टिकरण की राजनीति ने उनको बर्बाद करके छोड़ा। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति में घुमंतू जनजातियों की कोई परवाह नहीं की गई। हमारे बंजारा भाई बहन, हमारे बालदिया लबाना, हमारे गाड़िया लोहार, हमारे गाड़ोलिया, हमारे गडरिया, हमारे गायरी जैसे तमाम ये घुमंतू जातियों को सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया, उनके नसीब पर छोड़ गया। जब हम तुष्टिकरण के रास्ते पर जाते हैं तो समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में
हमने ऐसे छोटे छोटे हर परिवार की, समाज के छोटे छोटे तबके की सूद ली, जिनकी पहले किसी ने सूद नहीं ली थी। आप देखिए, पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरे ठेले फुटपाथ पर माल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे साथियों को पहली बार हमने बैंक में ले गए, बैंक के दरवाजे खोल दिए और उनसे बैंक से आसान कम ब्याज से पैसे दिलाने का काम किया। इसी प्रकार इस वर्ष के बजट में हम पीएम इस बार आने वाला है थोड़े दिन में, आपके पास भी कुछ सुझाव है तो मुझे भेजना। घोषणा की है हमने बजट में, पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हैं और ये पीएम विश्वकर्मा योजना हमारे विश्वकर्मा साथी जो हाथ और औजार से काम करते हैं, जैसे हमारे लोहार, सोनार, कुमार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, ऐसे सभी साथियों को इस योजना के तहत मदद मिलने वाली है। साथियों, सामाजिक न्याय के नाम पर वोट मांगने वालों ने गांव और गरीब के साथ सबसे अधिक अन्याय किया है। भाजपा सरकार ने हमारे बंजारा भाई बहन और घुमंतु समुदाय के लिए वेलफेयर बोर्ड गठित किया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी भाजपा ने किया और ये भाजपा सरकार ही है जिसने पहली बार गरीब परिवारों को भी शिक्षा और सरकारी भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया। तुष्टिकरण और संतुष्टिकरण में इतना बड़ा फर्क होता है और इसलिए हमारा रास्ता है संतुष्टिकरण, 100% सैचुरेशन। जैसा जैसा रेवेन्यू बढ़ेगा, मदद पहुंचती जाएगी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की शहरी